नाजीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रिटेल मार्केट पॉलिसी को जल कतयत, मुलाजमीन को हफ्ते में एक बार छुट्टी देने की हिदायत, ताजरीन के साथ वजीर आला का इजलास। एमसेट इम्तिहान तेलंगाना हुकूमत अपने तौर पर मुनाकिद करेगी, रियासती वजीर तालीम का दो टोक बयान। जश्न मीलादुल नबी की तैयारियां, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सजावट का काम जारी। पटनचेरू की एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का अखराज, एक मुलाजिम फौत, फैक्ट्री इंतजामिया की मुजरिमाना लापरवाही पर मुलाजमीन का एहतजाज। और ताजिर के मकान से 1 करोड़ रुपए मालियती जेवरात और नकद रकम की चोरी करने वाले सारिख 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जल्द ही रिटेल मार्केट पॉलिसी को कतईयत दी जाएगी। रिटेल शोबे के ताजरीन के साथ मुनक्कदा इजलास में वजीर आला ने कहा कि पॉलिसी की तैयारी के लिए एक इजलास भी तलब किया जाएगा। इस मौके पर वजीर आला ने ताजरीन को मॉल्स में काम करने वाले मुलाजमीन को हफ्ते में एक बार तातील देने और रात में खिदमात के बाद घर लौटने वाली खातून मुलाजमीन की सलामती के लिए इकदामात पर भी जोर दिया। इस मौके पर हनुमान व्यायामशाला की अराजी के रजिस्ट्रेशन से भी हुकूमत ने इत्तेफाक किया है। चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव केरला पहुंच गए हैं। जराए के मुताबिक हफ्ते को वजीर आला त्रिचूर में एक शादी की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वो केरला के महकमे जंगलात के अहदेदारों के साथ भी मुलाकात करेंगे। वजीर आला के हमरा नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वजीर टी नागेश्वर राव, अरकान पार्लियामेंट के केशव राव, जितेंद्र रेड्डी और पार्लियामानी सेक्रेटरी जे वेंगल राव भी केरला गए हैं। रियासती वजीर तालीम जगदीश्वर रेड्डी ने दो टोक अंदाज में कहा है कि एमसेट इम्तिहान तेलंगाना हुकूमत ही मुनक्किद करेगी। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने बताया कि आंध्र प्रदेश महकमे आला तालीम मनमाने रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। वजीर तालीम ने आंध्र प्रदेश महकमे तालीमी बोर्ड की तरफ से मसाबिकती इम्तहानात की तारीख के ऐलान को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ किया कि रियासत की तकसीम जदीद बिल के मुताबिक ही तेलंगाना हुकूमत एमसेट का इनेकाद अमल में लाएगी। वजीर तालीम ने कहा कि आंध्र प्रदेश के तलबा भी तेलंगाना के एमसेट में शिरकत कर सकते हैं, उनके लिए 15% कोटे पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि अगर आंध्र की हुकूमत तेलंगाना हुकूमत से एमसेट के इनेकाद के लिए दरख्वास्त करती है तो इस पर गौर किया जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद भी आंध्राई हुकाम को अपनी बालादस्ती बरकरार रखने की फिक्र है। जगदीश्वर रेड्डी ने गवर्नर से सुबह हुई मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि गवर्नर ने भी उनकी तजावीज़ पर इत्मीनान का इजहार किया है। तेलंगाना के वजीर तालीम ने गवर्नर से मुलाकात करने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात करते हुए उन्हें गवर्नर से हुई मुलाकात की तफसीलात से वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश आला तालीमी बोर्ड ने 10 मई को एमसेट इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान किया है, जबकि तेलंगाना हुकूमत ने अब वाज़ेह कर दिया है कि वो एमसेट इम्तिहान को मुनक्किद करेगी। गत कोई समस्या जीवो विद्यालय उन्नत विद्या संस्था अडमिशन प्रवेश अमल ఆ ప్రకారం స్థానికంగా ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో విద్యా సంస్థల్లో 15% ఓపెన్ కోట ఉంటది దాంట్లో ఆంధ్ర విద్యార్థులైనా ఇంకొక విద్యార్థులైనా రావచ్చు తెలంగాణ విద్యార్థులు కూడా రావచ్చు దాంట్లో ఇంకా ఇతర రాష్ట్ర విద్యార్థులు కూడా రావచ్చు స్టేట్ లెవెల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ గా ఏదైతే పేర్కొనబడినే గతంలో అది తెలంగాణలో ఉన్నా ఆంధ్రలో ఉన్నా
ఇప్పటి వరకు ఏ పద్ధతి అయితే అమలు చేస్తున్నామో దానిలో ప్రవేశాల కొరకు అదే పద్ధతి కొనసాగిస్తాం తెలంగాణలో మేము కొనసాగించాల్సి సిద్ధంగా ఉన్నాం మా ద్వారా వాళ్ళు కూడా అదే పద్ధతిలో కొనసాగిస్తే మంచిది కొనసాగించాల్సిందే అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఆంధ్రకు సంబంధించిన ఇప్పుడు ఆంధ్రదని చెప్పుకోబడుతున్న హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కౌన్సిల్ तेलंगाना मुलाजमीन की तंजीम के नुमाइंदों ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उन्हें नए साल की मुबारकबाद पेश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए तंजीम के नुमाइंदे नरेंद्र ने बताया कि तहरीक तेलंगाना में मुलाजमीन का अहम रोल रहा है। वजीर आला ने सुनहरे तेलंगाना की तामीर में भी मुलाजमीन से ताउन की दरख्वास्त की है। नरेंद्र ने कहा कि तेलंगाना मुलाजमीन हुकूमत के मकसद को पूरा करने के लिए मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तेलुगुदेशम के तेलंगाना रुकन असम्बली एर्राबल्ली दयाकर राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से निज़ाम दौरे हुकूमत की सितायश को बासे अफसोस करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी फायदे के लिए वजीर आला इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर तकबर भरा रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उनका मकसद जीएचएमसी इंतखाबात के दौरान सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करना है। उधर कांग्रेस के लीडर एम रवि ने भी वजीर आला की तरफ से निजाम दौरे हुकूमत की सितायश किए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि निजाम पर तनकीद को किसी तबके के खिलाफ तनकीद नहीं समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि निजाम दौरे हुकूमत में रजाकारों की तरफ से जुल्म ढाया गया और उस वक्त के निज़ाम ने उन मजालिम को रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि रजाकारों की हौसला अफजाई की। कांग्रेस के रुकन असम्बली राममोहन रेड्डी ने कहा है कि अपोजिशन अरकान असम्बली के हलकजात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की इजराई पर केसीआर हुकूमत लापरवाही का मजाहरा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए राममोहन रेड्डी ने कहा कि सड़कों की तामीर के लिए पंचायत राज शोबे की तरफ से 1952 करोड़ रुपए के फंड्स की इजराई के लिए जियो नंबर 36 जारी किया गया जबकि अपोजिशन रुकन असम्बली के हलके के लिए 5 करोड़ से कम के भी फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि टीआरएस अरकान असम्बली के बड़े पैमाने पर फंड्स की इजराई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर अपोजिशन जमातों के अरकान के साथ जानिबदारी बरत रहे हैं। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली रेवंत रेड्डी ने राजेंद्र नगर के इलाके में अराजियात पर जबरन कब्जों के सिलसिले में हुकूमत से वजाहत करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि खुद उनकी 40 एकड़ अराजी पर कब्जा किया गया है। तेलुगुदेशम रुकन असम्बली ने कहा कि अवाम की जायदादों यहाँ तक के इबादतगाहों पर भी कब्जे किए जा रहे हैं जबकि इन इकदाम ने मुलविस शख्स के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से इस पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश ने पार्टी कारकुनों के लिए कायम किए गए कॉल सेंटर का आगाज किया। इस मौके पर लोकेश ने कहा कि कॉल सेंटर के जरिए पार्टी कारकुन अपने मसाइल रुजू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है। लोकेश ने कहा कि वो तेलंगाना के 10 अजला का दौरा करेंगे और पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का भी जायजा लेंगे। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए साबरीमला जाने वाले यात्रियों के लिए केरला में अराजी हसूल के लिए नुमाइंदगी की। हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना से हजारों अफराद साबरीमला जाते हैं और उनके लिए केरला में 4 एकड़ अराजी हासिल करते हुए बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। हनुमंत राव ने बताया कि वजीर आला ने उनकी नुमाइंदगी पर केरला हुकूमत को मकतूब रवाना करने का तयकुन दिया है। कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने सरकारी मुलाजमतों में तखररात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि मुलाजमतों के तखररात के मामले पर बेरोजगार नौजवानों में तश्वीश पाई जाती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के क्याम के बावजूद आज तक मुलाजमतों के लिए एलामिये की अदम इजराई बाद से अफसोस है।
सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हजारों रुपए की रकम खर्च करते हुए नौजवान मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत हासिल कर रहे हैं और अगर उन्हें मुलाजमतें फराहम नहीं की गई तो उनकी जिंदगियां तारीकी का शिकार हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा निसाब के तहत ही मुलाजमतों में तखररात अमल में लाए जाने चाहिए। बीजेपी के रुकन असेंबली डॉक्टर के लक्ष्मण ने मनसूबाबंदी कमीशन का नाम नीति आयोग रखने का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी देही सतह पर माशी तरक्की का मनसूबा रखते हैं और इसी को देखते हुए मनसूबाबंदी कमीशन को नीति आयोग का नाम दिया गया है। लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस ने गुज़िश्ता 60 सालों के दौरान मुल्क की तरक्की को नज़रअंदाज किया है जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में समाज के हर तबके की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि नीति आयोग से गरीबों को काफ़ी फायदा होगा। शहर भर में जश्न मीलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। सड़कों और गली कूचों में बर्फी कुमकुमे लगाए जा रहे हैं, परचम लहराए जा रहे हैं और रिफाही इकदामात का सिलसिला शुरू हो चुका है। तंजीमी और खानगी सतह पर मीलाद और नात खानी की महफिलें मुनक्किद हो रही हैं। उलमाए कराम ने पुरजोश नौजवानों को तलकीन की है कि वो मीलाद की खुशियां मनाते हुए गैर शराइ अफाल को इख्तियार न करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी को और ख़ास तौर पर पड़ोसियों को तकलीफ ना पहुंचने पाए। जलसे रहमतुल आलमीन व नातिया मुशायरे के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने इंतजामी कमेटी के अराकीन के हमरा जलसे गाह का दौरा किया। उन्होंने बताया कि श्रीलंका के आलिम दीन एहसन इकबाल अहमद खादरी मेहमान खसूसी रहेंगे। इसके अलावा उलमाए कराम मशाकीन निज़ाम व मजलिसी कायदीन के खिताबात होंगे जबकि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का खसूसी खिताब होगा। उन्होंने शमे मोहम्मदी के परवानों से जलसे मुशायरे में शिरकत की अपील की है। दारुसलाम में बाद नमाज ईशा जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर निगरानी मोहतरम नकीमी मिलत बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़िद होगा। सूरत कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा और नाते शरीफ पेश की जाएगी। हैदराबाद के मुमताज़ उलमाए किराम मशाइख़ीन उज़्ज़ाम क़ायदीन मजलिस इस अदीम शान जलसे को मुखातिबत की सआदत हासिल करेंगे। मेहमान मुकर्रर मौलाना सोहेल अहमद इकबाल अहमद रज़वी अल क़ादरी भी मुखातिब करेंगे जो श्रीलंका के आलिम दीन नकब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सदारती खसूसी खिताब होगा। आपके चैनल के ज़रिए शमे मोहम्मदी के परवानों से गुजारिश की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करके जलसे को कामयाब बनाए। अराकीन असम्बली मुमताज़ अहमद ख़ान और सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब कट्टे में नौ तामीर शुदा कमान का अफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस के मुकामी जिम्मेदारान अब्दुल्लतीफ़ मम्मी भाई बाखर अली ख़ान के अलावा सैकड़ों महिबान मजलिस के हमरा इस कमान का अफ्तिताह किया गया जिसे तालाब मीर जुमला मुराद महल का नाम दिया गया है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहीद्दीन ने कारवान के इब्राहिम बाग और उससे मुतसिल मोहल्लजात में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 70 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का अफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी मजलिसी जिम्मेदार रहमत और सरगम कारकुनों के हमरा रुकन असम्बली ने सीसी रोड WP2 पाइपलाइन बूस्टर्स की तंसीब और दीगर तरक्याती कामों के अफ्तिताह अंजाम दिए। रियासती वज़रा KT रमा राव और पद्मा राव ने मुख्तलिफ शोबाजात की डायरियों की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर रियासती वज़रा को मुलाजमीन और मीडिया के नुमाइंदों ने नए साल की मुबारकबाद पेश की। पडनचेरू के इलाके बोंदापल्ली की एक फैक्ट्री में जहरीली गैस खारिज होने की वजह से एक मुलाजिम फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल कृष्णा फैक्ट्री में काम कर रहा था कि अचानक सिलेंडर से SCL और SCL गैस खारिज होने लगी जिसके असर से कृष्णा का दम घुटने लगा और वो बेहोश हो गया। उसे खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। फैक्ट्री के मुलाजमीन ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि कृष्णा को ताखीर से दवाखाना मुंतकिल किया गया जिसकी वजह से वो फौत हुआ है।
उन्होंने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। पटनचेरू पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। लंगर हाउस पुलिस ने सालारजंग कॉलोनी के एक मकान में सरके की संगीन वारदात अंजाम देने वाले दो सारखों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि सुजीत अग्रवाल नामी एक शख्स नया साल मनाने के लिए अपने दोस्त के पास गया हुआ था कि उनके मकान से 1 करोड़ रुपए मालियत पर मुश्तमिल हीरे जवाहरात, तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरका कर लिया गया था। लंगर हाउस पुलिस ने सरके की वारदात के 24 घंटे में ही सारखों अनमोल मुखिया और किशन मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा अशिया जब्त कर ली। दबीरपुरे के इलाके में दिन दहाड़े एक मकान से 4 तोले के तिलाई जेवरात, चांदी के जेवरात के अलावा बैरूनी करेंसी का सरका कर लिया गया है। मकान के मालिक ने मीडिया को बताया कि वह घर के अफराद खाना के साथ बाहर गए थे कि पड़ोसियों ने फोन पर सरके की इतला दी। दबीरपुरा पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। मिलादुन्नबी के मौके पर पिस्ता हाउस की जानिब से इस साल भी खसूसी खोवा पूरियां फरोख की जा रही हैं। पिस्ता हाउस इंतजामिया ने बताया कि ये खसूसी खोवा पूरियां हर साल तैयार की जा रही हैं जो मिलादुन्नबी के पुरमसरत मौके पर ग्राहकों की तवज्जो का मरकज होती हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रिटेल मार्केट पॉलिसी को जल्द कतयत, मुलाजमीन को हफ्ते में एक बार छुट्टी देने की हिदायत, ताजरीन के साथ वजीर आला का इजलास। एमसेट इम्तिहान, तेलंगाना हुकूमत अपने तौर पर मुनक्किद करेगी, रियासती वजीर तालीम का दो टोक बयान। जश्न मिलादुल नबी की तैयारियां, शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर सजावट का काम जारी। पटनचेरू की एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का अखराज, एक मुलाजिम फौत, फैक्ट्री इंतजामिया की मुजरिमाना लापरवाही पर मुलाजमीन का एहतजाज। और ताजिर के मकान से 1 करोड़ रुपए मालियती जेवरात और नकद रकम की चोरी करने वाले सारिख 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।